गैरों पे करम अपनों पे सितम। हिंदी फिल्म का ये गीत तो आपने सुना ही होगा। उत्तराखंड की सियासत में भी इन दिनों जो कुछ हो रहा है उसे देख ये गीत याद आ ही जाता है, लेकिन उल्टे अंदाज में। दरअसल यहाँ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर अपनों पे करम और गैरों पर सितम करने का आरोप लगाया जा रहा है। आरोप लगाने वाले हैं कांग्रेसी विधायक। कांग्रेसियों का आरोप है कि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के बंटवारे में सीएम भेदभाव कर रहे हैं। उनका मानना है कि सीएम ने आर्थिक सहायता के नाम पर अपने विधायकों को तो करोड़ों रुपए दे दिए और उनके हिस्से आए हैं महज 25 से 35 हजार। इस बात से कांग्रेसियों का पारा चढ़ा हुआ है। दरअसल मॉनसून सत्र के दौरान सदन में कांग्रेसी विधायक राजकुमार ने मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से मिलने वाली सहायता का मसला उठाया था। इसका जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत ने कहा था कि विवेकाधीन कोष नियमावली के आधार पर पात्रता शर्त पूरा करने वालों को ये सहायता दी जाती है। इस पर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने आरोप लगाया था कि सरकार ने सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के रूप में बंटवारा कर रखा है। आंकड़े भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के जरिए बीजेपी विधायकों पर जमकर मेहरबान हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से मिले आंकड़ों के मुताबिक मदन कौशिक 1,13,00,000, धन सिंह रावत 84,00,000, सुबोध उनियाल 83,00,000, उमेश शर्मा 90,00,000, करण माहरा 25,000, मनोज रावत 1,00,000, प्रीतम सिंह 75,000, हरीश धामी 25,000, गोविंद सिंह कुंजवाल 25,000। अब इस मामले पर पार्टी के नेता व मुख्यमंत्री खुद का बचाव करते नजर आ रहे हैं। ये कांग्रेस बीजेपी से इसका कोई मतलब नहीं है। ये देखा जाता है कौन जरूरतमंद है, उनको दिया जाता है। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष में ऐसा तो कहीं नहीं है। अब सवाल यह है, जब मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक विधायक को 50-50 लाख रुपए दे दिया है, तो उसमें से जो विधायक रिलीज कर रहे होंगे उसका ज्यादा खर्च होगा, जो रिलीज नहीं कर रहे होंगे नहीं होगा। वही कांग्रेसी विधायकों की इस मामले में भौहें तनी हुई है और वो सरकार पर भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। आंकड़े आए हैं सामने, उनसे ये पता चला है कि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष, जो कि शासनादेश के अनुसार गरीब लाचार बेसहारा विधवाओं के लिए होता है, बीमारों के लिए होता है, उसके आवंटन में कांग्रेस के 11 जो विधायक हैं उनके साथ भारी भेदभाव हुआ है। जो 1.5 साल के जो अब तक के आंकड़े आए हैं उसमें सबसे कम धन हमारे कांग्रेस के विधायक करण महाराज जी को मिला है 25,000 रुपया। कांग्रेस विधायकों के क्षेत्र को मिली राशि को देखते हुए ये सवाल उठना लाजमी ही है कि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से दी जाने वाली राशि आखिर किस विवेक से बांटी जा रही है, क्योंकि जब मसला राज्य का हो तो समान होकर कार्य करना मुखिया की जिम्मेदारी बन जाता है। लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति में ये तभी संभव है जब मेरी पार्टी तेरी पार्टी ना होकर मेरा प्रदेश मेरा देश की भावना से काम हो। ईटीवी भारत उत्तराखंड डेस्क हैदराबाद।